जय हिंद मैडम सर. जय हिंद पुष्पा जी. करिश्मा सिंह का कोई अपडेट? अब तक नहीं. ठीक है, वो फोन कर देंगी हमें. 2000 अभी थोड़ी देर पहले दिए थे ना, 2000 रुपए. नहीं, वो तो 2000 आपने मुझे उधार दिए थे. मैं वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो मैंने आपको उधार दिए. अब ये क्या नहीं बकवास है बिल्लू? मैडम सर, नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, पहले मैंने आपको 2000 रुपए उधार दिए जो गलती से नकली हसीना मैडम को दिए गए. फिर बाहर आपने मुझे 2000 रुपए उधार दिए. फिर तुरंत बाद मुझसे आपने 2000 रुपए उधार लिए. अब ये 2000 रुपए जो मांग रहा हूँ, ये 2000 रुपए वो नहीं है ये जो गलती से किसी और के पास गए. ये 2000 रुपए वो 2000 रुपए है जो आपने मुझे उधार दिए थे और तुरंत बाद मुझसे उधार लिए थे. वो 2000 रुपए मुझे नहीं दिए. बिल्लू, हमें लग रहा है तुम ये असली और फेक हसीना के नाम पर ना हमसे पैसे ऐंठने के चक्कर में हो. मैडम सर, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? हाँ. अरे, मैं तो वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो आपने 5 किलो बिरयानी के पेमेंट के लिए मुझसे इकबाल को दिलवाई थी. हमने 5 किलो बिरयानी कब मंगवाई? कब मतलब? ए बिल्ले, क्या अनाप शनाप बक्की जा रहे हो तुम? हाँ, कब से देख रहे हैं हम? नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ. कुछ नहीं समझना हमें. क्या बोल रहे हो? 2000 दिए, 2000 लिए, अब बोल रहे मैडम सर ने 5 किलो बिरयानी ले ली. मैडम सर की तरफ देखो, लगता है तुम्हें वो अकेली 5 किलो बिरयानी खा भी सकती है? हाँ. क्या? हाँ. नहीं नहीं खा सकती. लेकिन अभी 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 ऑर्डर करवा था 5 किलो बिरयानी. मैं खुद जाके दे के आया हूँ. पैसे बोले तो कहने लगे कि तुम दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी. अब देखो 2000 रुपए. एक मिनट, ये कहाँ की बात है? कहाँ की मतलब, सड़क पे, उस तरफ, सड़क की उस तरफ. तुमने चेहरा देखा था बिरयानी देते वक्त? आप ही थी. अच्छा, हमारी शक्ल देखी तुमने बिरयानी देते वक्त? हाँ हाँ, देखा था ना, मतलब वो चेहरा देखा था. बताओ. हाँ हाँ, बता रहे. वैसा मास्क था, फिर ये ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था, और ये ऐसी टोपी थी. तो क्या दिखा? चेहरा नहीं दिखा. ये वही थी नकली हसीना मलिक. मेरे 2000 रुपए. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद मैडम सर. बहुत फास्ट बाइक चलाती है मैडम आप. जय हिंद मैडम सर. एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने आप लोगों को चोपड़ा के पास भेजा था. क्या बात कर रही है मैडम सर? आपने तो हमें फोन करके बोला दीवान चौक जाने के लिए, वहाँ पे कुछ दंगा फसाद हुआ, वहाँ का स्थिति संभालने के लिए. हम वहाँ पहुंचे तो पता चला वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो नॉर्मल था. करिश्मा सिंह, आप ऐसी स्थिति में चोपड़ा को अकेला छोड़कर आई हैं? हमने नहीं छोड़ा मैडम सर, आपने ही हमें बोला वहाँ से जाने के लिए, और आप खुद आ रही हैं चोपड़ा की प्रोटेक्शन के लिए. हमने कब बोला आपसे ये सब? मैडम सर, आपने ही हमें फोन किया है, ये देखिए आप. पुष्पा जी. जी. तुरंत चोपड़ा साहब को फोन कीजिए, उनसे कहिए अगर कोई भी हमारा नाम लेकर खुद को हसीना मलिक कहकर अगर उनके पास आता है तो उसे अंदर आने ना दे, और पैसे तो बिल्कुल भी ना दे, वो असली हसीना मलिक नहीं है. प्लीज जल्दी फोन कर. जी जी जी. क्या वो नकली हसीना मलिक थी? मैडम सर, वो नकली हसीना मलिक चोपड़ा से पैसे लेकर भी चली गई. उसे रोकना होगा, जल्दी रोकना होगा. मैडम सर, अरे मेरे 2000 रुपए. चीता चतुर्वेदी, जल्दी आओ. ये लाइट्स कहाँ गई ऊपर की? मैडम सर, वो बनाने के लिए दिए थे, शाम तक बन जाएगा मैडम. ठीक है, शाम तक आ जानी चाहिए किसी भी कीमत पर. हमारे नंबर की जीप है. ये
आपका आई कार्ड मैम? हम SHO हसीना मलिक हैं। वो क्या है ना मैम, आजकल फर्जी पुलिस की न्यूज बहुत चल रही है, आपने देखा होगा मीडिया में, इसीलिए पूछना पड़ता है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, आप अपना काम कर रहे हैं, ये लीजिए। जय हिंद मैम। जय हिंद। थैंक यू। निकलो। रुको 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 रुको। SHO हसीना मलिक महिला पुलिस थाना। ओहो फिर तो आज आपका दिन खराब है मैडम, क्योंकि असली SHO हसीना मलिक अभी अभी वहाँ गई हैं। देखिए वो नकली थी, हम असली हैं। आप ये लीजिए हमारा आईडी कार्ड, हम बहुत जल्दी में हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे मैडम, असली वहाँ और नकली यहाँ, सो यू आर अंडर अरेस्ट। आइए उतरिए नीचे। पुष्पा जी आज खाने में राजमा चावल है या और कुछ है? आलू गोभी की सब्जी। अच्छा ठीक है भाई तलाशी लो। सर तलाशी में भी आपको आलू गोभी की सब्जी ही मिलेगी, हम सच कह रहे हैं आज हम खाने में राजमा चावल नहीं लाए हैं। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी, राजमा चावल की तलाशी नहीं हो रही है। अच्छा तलाशी हो रही है 10 लाख रुपयों की। कैसे 10 लाख सर? मेरे 10 लाख। चले भाई तलाशी लीजिए। सर आप आइए कैबिन में बैठिए। का बकवास है, हम आइए यहाँ पैसा कैसे मिलेगा आपका? क्यों नहीं मिलेंगे, दिए भी तो यहाँ के SHO को है, हसीना मल्लिक जी अपने हाथों से गिन कर दिए थे 10 लाख कैश। अम्मा वो नकली हसीना मलिक को दे दिए हैं आप अपना 10 लाख कैश। ये बढ़िया है, पहले खुद ही कहती है कि आपके पीछे आपकी SHO साहिबा आएगी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और अब कह रही है कि वो नकली हसीना मलिक थी। हो सकता है कि आप दोनों मिली हुई हो। मतलब इंसान पिंजरे के सामने खड़े होकर भी शेर को छेड़ने से डरता है और तुम खुलेआम हमारे सामने पंगा ले रहे हो। पंगा नहीं ले रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, ये आप दोनों की ही मिली भगत है मुझे 10 लाख का चूना लगाने की। अम्मा जिंदगी से नाराजगी चल रही है क्या तुम्हारी, जो तुम हमारे ही थाने में खड़े होकर हमको धमका रहे हो? तो भाई सर आप इन्हें छोड़ने के लिए मत कहिए हमें, सबके सामने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया इन्होंने, इनकी तो करिश्मा सिंह जी छोड़ दीजिए, इट्स एन ऑर्डर। हम सब जानते हैं, पहले बात को सुना कीजिए फिर अच्छे से समझा कीजिए उसके बाद रिएक्ट किया करिए। आपको क्या लगता है करिश्मा जी कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई कुछ बोलता है तो हमको गुस्सा नहीं आता? हमको भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं? सारे सबूत सारे गवाह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप यानी कि करिश्मा सिंह और वो नकली हसीना मलिक आप दोनों मिलकर सारे वारदात को अंजाम दे रही हैं। सर लेकिन ये हसीना मलिक तो बच जाएगी क्योंकि नकली हसीना मलिक अभी तक किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन आपका क्या होगा, आप सबके सामने है। हम सब जानते हैं करिश्मा जी, अगर ये गुनाह साबित हो गया तो क्या होगा पता है? सर लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि हम एकदम निर्दोष हैं और आपके जानने से मेरे मानने से कुछ होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून सबूत मांगता है, आप अपने बेगुनाही का सबूत लाइए ना। जाइए जाइए उस अपराधी नकली हसीना मलिक को घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आइए और अपने बेगुनाह होने का सबूत पेश कीजिए। ऐसा ही होगा सर, इस नकली हसीना मलिक को 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके सामने लाएंगे,
और ये हमारा आपसे वादा है और ये पूरा दुनिया जानती है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा मैडम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वर्दी पे दाग लगे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय मैडम सर। वो मिली नहीं पुष्पा जी, असली नकली के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। हम जब नाके पर पहुंचे तो उसे असली हसीना मलिक समझकर जाने दिया और हमें नकली समझकर पकड़ लिया, और इस अफरा तफरी में वो फ्रॉड हाथ से निकल गई। शुक्र है ऊपर वाले का। ए, का शुक्र का है? यहाँ अपराधी हाथ से निकल रहा है, तुम शुक्र मना रहे हो भगवान का? अरे शुक्र इस बात का है कि मैं अकेला उल्लू नहीं बना, चौक के पुलिस भी उल्लू बनी है। ये नकली हसीना मैडम है ना, बहुत शातिर है। ऐसे कॉन्फिडेंस से ठगती है ना कि उसके शिकन जैसे कोई बच नहीं पा रहा है। कब तक बचेगी वो बिल्लू? तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ कागज की उस नाव की तरह होता है जो बहुत देर तक बहुत दूर तक नहीं जाती, कभी ना कभी डूब ही जाती है। ठीक उसी तरह इस नकली हसीना मलिक का सच भी एक न एक दिन दुनिया के सामने आकर रहेगा। सही कहा मैडम सर आपने, सच को कितना भी छुपा लो आखिरकार सामने आ ही जाता है। मैडम सर डीएसपी सर आए थे, काफी गुस्से में थे, उनके साथ वो बिल्डर चोपड़ा भी था, कह रहे थे। हम जानते हैं पुष्पा जी, डीएसपी सर का फोन आया था, हमने उनसे वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम इस नकली हसीना को ढूंढ ही लाएंगे। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि हमने उसको ढूंढ लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। बताइए कौन है वो फ्रॉड? आप। आप है वो जो उस फेक हसीना की पार्टनर है और जो उस धोखेबाज के साथ मिलके ये सारा वारदात को अंजाम दे रही है। ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप मैडम सर पर? आप अच्छे से जानती हैं मैडम सर ये सब करना तो दूर कभी सोच भी नहीं सकती। हमें भी यही लगता था पुष्पा जी, लेकिन अफसोस हम गलत हैं, क्योंकि जो सच है ना वो हमारी आंखों के एकदम सामने खड़ा हुआ है। हमें तो शुरू से ही डाउट था, इसलिए हम सोचे कि क्यों इतने सीरियस केस को हसीना मैडम इतना लाइटली ले रही थी, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी उस फेक हसीना के खिलाफ, और क्यों जब हम कुछ भी करने चाहते थे तो हमको रोक दिया जाता था। मैडम सर उसका क्या जो नकली एसएचओ बनके बाहर घूम रही है? उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, आपको जो कहा जा रहा है वो करिए एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों हमें प्रोटेक्शन के केस के नाम पर चोपड़ा के यहाँ भेजा गया, फिर हमें कॉल करके वहाँ से हटाया गया और ये बोला गया कि हम चोपड़ा से कहें कि स्वयं हमारी सीनियर हसीना मैडम वहाँ आ रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरा खेला स्क्रिप्टेड था ताकि चोपड़ा को लूटा जा सके और हमें इस बात के लिए फंसाया जा सके कि हम उस हसीना से मिले हुए हैं, और देखिए हम फंस गए। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया, क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपनी वर्दी पर लांछन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पकड़ कर लाएंगे, ढूंढ कर लाएंगे उसको, और ये साबित करेंगे कि आप उनसे मिली हुई हैं, हम नहीं। हमारा वर्दी और हमारा मान एकदम बेदाग है। आपकी वर्दी के प्रति आपकी ईमानदारी और समर्पण को हम अच्छे से समझते हैं। हम ये भी समझते हैं कि इस असली नकली के चक्कर में आप अपना आपा खो रही हैं, अपना दिमागी संतुलन खो रही हैं, और हम पर बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। वो भी मिल जाएगा मैडम सर, क्योंकि अब जो होगा ना वो सबूत के साथ ही होगा। जय हिंद मैडम सर। ये सही है कि वो सही है? फूल है यार। दिख रहा है कि संतोष जी के हाथ में फूल है? अरे तुम दोनों को बोला, तुम दोनों ना एक नंबर के फूल हो। अरे एक लड़की हाथों में गुलाब लिए ऐसी हरकत कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है बिल्लू, बताओ ना हमको। उसका मतलब साफ है कि लड़की को किसी दो में से एक को चुना है अपने प्यार के लिए, और फिर इस फूल की जिंदगी में वो दो लंगूर कौन है? हम दोनों होंगे।
जरूर जरूर जरूर। अब संतोष जी की जिंदगी में कौन रहेगा, तू के तू? इसका फैसला तो गुलाब की आखिरी पंखुड़ी वही डिसाइड करेगी कि कौन होगा संतोष जी का पति या फिर उसके बच्चे का मामा। मामा मामा संतोष जी, अब क्या फालतू में इतनी सी बात के लिए ऐसे टाइम वेस्ट कर रही है? ना ये मुझे दे दिए गुलाब का फूल और मैं आपको साबित करके बताता हूँ। ये मैं हम, ना ये है, ये भी हम है, ये मैं हम, ये मैं, ये तुम, ये मैं, ये तुम, ये मैं, ये भी हम, ये तुम, हम, ये मैं, ये तुम, हम, ये मैं, हम, ये तुम, ये भी हम, ये हमको खा गई, हमको खा गई। अरे पंखुड़ी का पंखुड़ी क्यों लड़ रहे हो दोनों? हमको खा गया संतू जी, पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया मेरा। ये तुम दोनों के लिए नहीं कर रही हूँ, हसीना मैडम और करिश्मा मैडम के लिए कर रही हूँ। कंफ्यूज हूँ दोनों के बीच में, कौन सही है और कौन गलत। तुम दोनों कहाँ से बीच में आ गए? हाँ ओह खुदा, पहाड़ और निकला मामा, वो भी दो दो। अबे ओ अरे शट अप। हैं संतोष जी आप फिक्र मत करो, मैं एक खोजी रिपोर्टर हूँ, ऐसे सवालों का जवाब खोजना ही तो मेरा काम। यूं गया और यूं आया। संतु जी वैसे भी आप ना हमको ना इसे कम मत आंकिएगा, हम आज अभी इसी वक्त कसम खाते हैं कि कौन सही है, हसीना मैडम की करिश्मा मैडम, ये ढूंढ कर रहेंगे हम, आएंगे हम संतु जी। लेकिन जब आप कहीं जा रहे हैं आप? जी जी मैडम, हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं ना कि कौन सही था, हसीना मैडम की आप। क्यों, हमारे जजमेंट में भरोसा नहीं है आपको? हाँ मैडम, हमको हमको तो कोई शक नहीं है, हमको तो पूरा भरोसा है कि सवाल जो है ना संतू जी का था। हाँ? क्या है ना कि संतू जी थोड़ी छोटी सी हैं, मासूम सी हैं, प्यारी सी, इसीलिए अब जो हुआ है, जो सच है, उसका कोई ना कोई सबूत तो होगा ही ना, वही ढूंढने जा रहे हैं मैडम हम। उसका कोई जरूरत नहीं है, सबूत ऐसे ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैडम? क्योंकि हमारे पास एक प्लान है। हाँ अम्मी, अम्मी सेल फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब यही है ना कि बिजी हैं। सॉरी सॉरी, हम थोड़े से परेशान हैं, हम आपको आराम से फोन करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, हम आपके कंगन ले आएंगे, नहीं भूलेंगे, ले आएंगे, अब रखें फोन, प्लीज फोन मत करिए। हाँ मैडम सर, आपके साथ कुछ बात करनी थी। पुष्पा जी अभी नहीं, अभी थोड़े से बिजी हैं, बाद में। जी मगर ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस दो मिनट। ठीक है कहिए। बाहर करिश्मा जी ने आपके साथ जिस तरीके से बात की हमें नहीं अच्छा लगा, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी हम समझते हैं, इट्स ओके, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए, बाद में बात करें। मगर ये भी कोई बात हुई, ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का? हर बात की एक सीमा होती है कि नहीं? बाद में बात करें पुष्पा जी, हम मसरूफ हैं जरा। मगर ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, जो मुंह में आया भग दिया। आप सीनियर हैं उनके, सीनियर के साथ भला कोई ऐसे बात करता है? पुष्पा जी आप, हम भी सीनियर हैं मगर वो मानती कहाँ है? खैर हमारी तो बात छोड़ ही दीजिए, मगर आप चिंता मत कीजिए, कान पकड़कर उनको आपके सामने खड़ा कर देंगे और आपसे माफी मंगवाएंगे, माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। आप मसरूफ थी काम में? नहीं नहीं आप बोल लीजिए। जी ऐसे कैसे आप पे वो इल्जाम लगा सकती है? आपने फोन किया, आप क्यों करेंगे उनको फोन? माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी आपसे, मगर तब तक उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी थैंक यू, सॉरी। नहीं नहीं थैंक यू, सॉरी वो कहेंगी आपसे? नहीं हम आपसे कह रहे हैं थैंक यू। आपकी बातें सुनकर अभी अभी हमें उस फेक हसीना को पकड़ने का एक आइडिया क्लिक हुआ। करिश्मा सिंह ने क्या कहा कि हमने उन्हें फोन किया, जबकि हमने तो कोई कॉल किया ही नहीं। वही तो हम फिर उनके मोबाइल फोन पर हमारा नाम लिखा हुआ कैसे आ सकता है? इसका मतलब एक ही है कि ये फेक हसीना जो कोई भी है, उसने हमारे सिम कार्ड का एक क्लोन सिम बनाया है, जिसके जरिए वो ये सब कुछ कर रही है। और अब ये यही क्लोन सिम कार्ड बनेगा उस तक पहुंचने का जरिया। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं,
असिस बेचारी हसीना मलिक की बदकिस्मती देखकर आंखें छलक आईं। अम्मी जान के मैसेज पढ़ रहे हैं। बेचारी उसकी शादी को लेकर बड़ी परेशान है, क्योंकि अब ये शादी तो होने से रही, क्योंकि उनकी बेटी का नाम जो इतना बदनाम कर दिया है हमने, कोई शरीफ लड़का तो उनसे शादी करेगा नहीं। रानी, उनकी चिंता करना तुम छोड़ दो और तुम खुदाई की चिंता करो। वैसे भी बहुत लूट चुके हैं इस शहर को वो हसीना मलिक के नाम से। रानी, अब हमारी मानो तो निकल लेते ना यहाँ से, मगर पकड़े गए ना तो बहुत ही पड़ेगी। बात तो तुम्हारी सही है चंदू, काफी कमा लिया ना हमने इस हसीना का नाम इस्तेमाल करके, अब निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी ज्यादा लालच भी बुरी बला होती है। चलो निकलते, ये लो इस फर्जी फोन का कोई काम नहीं। क्या हुआ? हसीना का मैसेज पढ़ो। घनश्याम जी नमस्ते, SHO हसीना मलिक फ्रॉम महिला पुलिस थाना, सोने की कंगन लेने 5 बजे तक आऊंगी, प्लीज वेट फॉर मी। नहीं रानी, हाँ नहीं प्लीज, रानी नहीं प्लीज, रानी नहीं, आखिरी बार, आखिरी बार सोने के कंगन। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। ये लीजिए मैडम आपके कंगन। कैसे लगे आपको? अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें क्या है? इसमें गहने हैं, अभी वर्कशॉप से रेडी होके आए हैं। क्या हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये लीजिए। अरे वाह, एकदम लेटेस्ट पीस है। ये तो बहुत ही अच्छा है, क्या हम ये खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बस फिर ठीक है, इसे भी पैक कर दीजिए। मैडम इसकी पेमेंट? हाँ पेमेंट, आप एक काम कीजिए, इसको और इसका बिल दोनों का साथ में थाने भिजवा दीजिए, हम वही पेमेंट करते हैं। जी जी कोई बात नहीं, दीजिए दीजिए दीजिए। अच्छा जी, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.